नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। यह हमारा कच्चा हल्दी का पौधा है जिसे हमने आज ये पूर्ण रूप से इसमें हल्दी की गांठ बन चुकी है क्योंकि इसमें से हमने एक गांठ निकाल के देखी है। इसमें से हमने जो एक गांठ है ना, जो इसमें से हमने एक निकाल के देखी है और इसकी पहचान होती है। ये तो आपके घर में जिसके पत्ते जब पीले पड़ने लगे आपको समझना चाहिए कि हमारा हल्दी पूर्ण रूप से अंदर बन चुकी है। और इस हल्दी को उगाने के लिए आपको कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। हम तो इसी हल्दी को आप देखो, हम पूरा ब्लॉक दिखा रहे हैं बना के, इसी हल्दी से हम बार बार 10 साल से एक हम नई हल्दी बोई नहीं है। इसी हल्दी को हम अभी निकालेंगे, नीचे से गठान गठान निकालते हैं, फिर आप देखो पूरे ब्लॉक देखो किस तरह से, और फिर दोबारा लगा दे इसी हल्दी को और हम बहुत सारी हल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम हल्दी को निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें कितनी हल्दी बन के तैयार हुई। अब हमने इसको बाल्टी में से निकाल लिया है। अब हमने इसकी मिट्टी को अलग कर दिया है और इसमें से हमने ये हल्दी रखना शुरू कर दी। इसमें देखो कितनी सारी हल्दी हमारी बन गई है और ये सिर्फ जड़ जड़ में से हमें हल्दी हल्दी निकाल लेना है। जो जो जिस तरह से सिंघाड़ा टूटता है उसी तरह से सिर्फ हमको इसमें से इस तरह से ये हल्दी की गांठ गांठ निकाल लेनी चाहिए जड़ में से। इस तरह से हम निकाल निकाल के अभी इसको और अच्छे करें। और जो जो ऊपर पौधा रह जाएगा इसका, इसे जब हम दोबारा लगाते हैं तो कितनी सारी हल्दी, जब हम दोबारा लगाते हैं तो यही पौधा अपने समय अनुसार ये अपना फिर से हो जाता है। जो ये ऊपर रह जाएगा और इसकी जो जड़ें जे हैं ये सब हम दोबारा से दूसरे गमले में रख देंगे। और दूसरे गमले में रखने के बाद इसी से हम फिर अगली साल प्राप्त कर लेंगे। बस इसमें थोड़ी सी खाद और अच्छी सी मिट्टी और डालेंगे, कोई ये नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ करना होगा। हाँ, अच्छी खाद और थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत है। क्योंकि पौधा ही तो जड़ फैलाता है और जड़ में ही हल्दी अदरक ये इस तरह से बनते हैं। प्रतिवर्ष हम 1 किलो 2 किलो दो गमलों में रखते हैं। कभी हम दूसरे गमले की भी बताएंगे आपको, वो हमने टप में लगा रखा है हल्दी का पौधा। पौधे तो हमारे यहाँ बहुत हैं, देखो आप कितने सारे पौधे हैं, पौधों की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी तो आज हमें सिर्फ हल्दी हल्दी आपको दिखानी है कि हमने हल्दी कुछ नहीं, हम कोई ये नहीं है कि वो बस इन्हीं पौधों को लेके दोबारा रखती हैं। और यही जो होती है जब हरी हल्दी जो है इसी को दाब देंगे अपने सीजन पे। अरवी और हल्दी ये दो चीज़ें तो हमने कई बार अपने घर में उगा करके उन्हें ही फिर दोबारा से रख दिया है और हम अपने खाने के लिए हमने बहुत सारी कर ली हैं। थोड़ी सी बस रख दो, ये अपनी फैलती रहती हैं, ये तो फैलने की चीज़ है। और ये बगैर खाद के सिर्फ जो घर के छिक्कल विक्कल निकलते हैं, जैसे आज हमने ये पौधों की कटिंग कर दी इन सब, हाँ ये कटिंग जो कर दी ये हम इसी में इस तरह से डाल लेंगे। इसको सब नीचे डाल दो, सब गलता रहता है। पुष्टी पुष्टा और हरी खाद जो रखी हो वो भी डाल दो उसी में।
हरी जैविक खाद डाल दो और दोबारा से ये लगा दो। पीले पत्ते पड़ गए हमने शुरू से, तुम्हें दिखाई दिया। कुछ नहीं ज़्यादा करना है, बस दो एक हल्दी की गांठ छोड़ दो इसमें। जैसे अभी इसमें इतनी सारी हल्दी की गांठ है, ये आपको दिख रही हैं, और ये जड़ हैं जो जो छोटी छोटी कोई गांठ होगी, इनकी एक दो गांठ को, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो गांठ को, जिससे कि थोड़ी थोड़ी जड़ बनी रहे, बस उसे बस छोड़ दो आप पौधे में और दोबारा से फिर लगा दो। एक साल में जो दो बार हल्दी आती है, एक अभी आती है, देखो हमने कहा 1 किलो हल्दी निकलती है हमारी। अब बस इसको धुल लो पानी से, इस तरह से एकदम हमारी ताजी ताजी कितनी प्यारी हल्दी, देखो कितनी प्यारी प्यारी हल्दी ताजी तैयार बन के हो गई है, अच्छी। नमो राघवाय। इतनी सारी हल्दी हल्दी, कितनी सारी हल्दी हल्दी हो रखी है। अब धुल लो, रख लो फ्रिज में। ये तो कम से कम, यदि आपके 5-6 लोग हैं तो कम से कम दूध में डाल के पीने के लिए हो गई 1.5-2 महीने के लिए। ये इतनी सी हल्दी कम से कम 3 लीटर दूध में घर की काम करती है, क्योंकि ये ओरिजिनल होती है और बहुत जो सड़ती भी नहीं है। बाज़ार की लेके आओगे हो सकता है वो सड़ भी जाए, और एक गांठ बाज़ार से कभी कहीं भी मिल जाए ले आओ, उससे इतनी हल्दी बन के तैयार हो जाएगी आपकी, और आप सर कमर दर्द और फिर दूसरी साल आपको कुछ नहीं करना है। इस हल्दी के पौधे को दोबारा से फिर इसमें ऐसे रख देना है, नीचे इसमें खाद डाल देना है, जो कुछ भी आपके घर में पत्ते वत्ते जो कुछ भी पड़े हों दूसरे पौधों के, झाड़ू वाड़ू लगा के, और ऊपर से ये जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को डाल देना है, और कुछ नहीं करना है। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। यदि आप अपने कमर घुटनों के दर्द से छुटकारा चाहते हो तो कच्ची हल्दी का उपयोग अवश्य करना। नमो राघवाय।